नमस्कार दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और कल के सेशन में किस तरीके से हमको ट्रेड का प्लान करना है और क्या अपना पॉइंट भी होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले हम लोग चार्ट को रीड करेंगे और वो सीखेंगे कि चार्ट पैटर्न कैसे काम करता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है, ठीक है, हर रोज की तरह, और प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, एक ट्रेड का साइकोलॉजी क्या रहता है, एक एनालिटिक का साइकोलॉजी क्या रहता है, ठीक है। बायर कहाँ पर बैठे रहते हैं, सेलर कहाँ पर बैठे रहते हैं, इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझेंगे। उसके बाद जो लास्ट हम लोग यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे कल के समय किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है उसका टॉपिक जो है लास्ट में रहेगा। पहले हम लोग यहाँ पर जो है टेक्निकल एनालिसिस और प्राइजन को हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अगर आप सीख करके करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच करें, अगर सीख करके नहीं करना चाहते हैं, कोल्ड टिप वाले अगर आप हैं तो लास्ट में जाकर के देखना, लास्ट में जो है एनालिसिस का टॉपिक जो है लास्ट में रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो लेवल है, ठीक है, एसबीआई का सबसे ऑल टाइम हाई है, ठीक है, जो कि है 910 का, ठीक है, और एक बॉटम पकड़ के आ रहा है जो कि है 725 का लेवल, ठीक है, 720 से लेकर के 725 का लेवल, ठीक है। बड़े टेम्पर में ये दर्शा रहा है कि इस पॉइंट पर हमको सेलिंग का प्लान करना है और इस पॉइंट पर हमको बाइंग का प्लान करना है, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए है और ये वाला जो सपोर्ट जोन है अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बड़ा टेम्पर में ये दर्शा रहा है कि यहाँ से जब मार्केट इस तरीके से निकला, अपर के साइड गया और यहाँ से लगभग देखेंगे दो तीन बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, फिर अपर के साइड गया है और इलेक्शन के दिन यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट अपर के साइड इस तरीके से निकला है और फिर से यहाँ से सेलिंग आया था, फिर उसी पॉइंट पर पहुँच करके यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिला है और मार्केट अभी तक ही गिरते ही जा रहा है, ठीक है। तो मिला जुला कर देखें तो यहाँ से सेलिंग आया है और यहाँ से बाइंग आया है, तो ये दोनों जो लेवल है बहुत ज़्यादा एक ट्रेडर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस लेवल पर हमको जो है क्या करना है, जो अपना सेटअप है, जो अपना स्ट्रेटजी, जो हर बार हम डिस्कस करते हैं, जो हम लोग सीखे हैं, जो हम सीखे हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या अप्लाई करना है कि आपके जो है डेली टेम्पर में अगर कुछ हैमर कैंडलस्टिक भी कोई ट्रेड करते हैं, ठीक है, या फिर कोई यहाँ पर बेरिश इंगल्फिंग पे ट्रेड करते हैं, बुलिश इंगल्फिंग पे ट्रेड करते हैं, इस तरीके से बुलिश इंगल्फिंग बना यहाँ पर, ठीक है, छोटा कैंडलस्टिक इस तरीके से बना, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, आपको यहाँ पर बाइंग अपन करना है। इस तरीके से अगर यहाँ पर जो डेली टेम्पर में अगर बनता है आपका सेटअप अगर अप्लाई होता है तो इस एरिया में उनको बाइंग अपन करना है, ठीक है। अगर प्राइसिंग को देखेंगे तो यहाँ से क्या कर रहा है, नया लो लगाते हुए इस तरीके से नीचे से मार्केट आ रहा है, ठीक है, नया हाई नहीं बना पा रहा है, पिछला हाई को जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है, पिछला लो को यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, नया लो बनाते हुए नीचे से आ रहा है, ठीक है। अगर जिस दिन आकर के यहाँ से इस तरीके से आया, ठीक है, इस तरीके से आकर के यहाँ पर अगर ए वाला के टेप रिप्लिक करना स्टार्ट कर देता है, नया लो लगाना बंद कर देता है, नया हाई बनाना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पर बायर टेक ओवर कर लेंगे और प्राइस यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फॉलो होगा और इसके ऊपर बाय ऑन डिप के स्टेप पर फिर हम लोग बड़ा टेम्परेचर में काम करेंगे, ठीक है। मिला जुला करके जो है ये वाला लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट अभी बीच में ट्रेड करना है कर रहा है तो हमको जो है डेली टेम्परेचर वाले जो रहते हैं जिनको स्विंग ट्रेडिंग करना है आप ही वो वेट करें, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 1 आवर के टेम्परेचर पे और 1 आवर के टेम्परेचर में हम लोग समझेंगे कि अपना लेवल निकाल कर बैठेंगे, लेवल किस तरीके से काम करता है नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करना कि एक ट्रेंड यहाँ से सपोर्ट है इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अगर इसी को हम बड़ा करेंगे यहाँ पर तो एक यहाँ पर पैरेलल चैनल बन गया, ठीक है, इस तरीके से। टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइजेशन क्या कहता है कि कोई भी वेव, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से यहाँ चला, इस तरीके से जा रहा है, इसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद अगर फिर से रिटेस्ट करने इस पॉइंट पर आता है तो यहाँ से क्या करना है, सेलिंग करना चाहिए, यहाँ से फिर से सेलिंग आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग वाले हैं वो लोग यहाँ पर एंट्री बना लिए होंगे क्योंकि इसके नीचे ब्रेकडाउन किया है तो यहाँ पर वो लोग एंट्री बना लिए होंगे, ठीक है। अगर इसके नीचे निकलता है, इसका लो जो लो है यहाँ पर जो 765 से लेकर के 770 का जो लेवल है, इसके नीचे निकलता है और पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टेक्निकल से यही कहता है, प्राइस से यही कहता है कि यहाँ से एक सेलिंग एक और आना चाहिए, ठीक है। अगर अपने सेटअप की बात किया जाए, अगर सिंपल से रखेंगे चार्ट इंटरडे वाले अगर हम लोग इंटरडे करते हैं तो इंटरडे के हिसाब से अगर चलेंगे हम लोग तो यहाँ से जो है एक लो यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है। हम लोग को इंटरडे वाले हैं तो छोटा छोटा पॉइंट जो हम लोग कैप्चर करके यहाँ से मार्केट से क्लिक कर जाते हैं और हम लोग पोजीशन को जो है होल्ड नहीं करते। सबसे पहले जो है ऑप्शन बायर यहाँ पर पोजीशन को होल्ड एकदम नहीं करना चाहिए, चाहे इक्विटी में करता हो, चाहे वो ऑप्शन चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन में करता हो, उसको ऑप्शन बायर को जो है एकदम होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी देखिए कि यहाँ से देखेंगे यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से सेलिंग आया था, इस लेवल को ब्रेकडाउन किया था, ठीक है, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था और फिर से यहाँ से अब सपोर्ट लेकर के ऊपर के सर गया, फिर से इसी एरिया पर जाकर के पहुँचा, तो जो लोग यहाँ पर शॉर्ट किए थे वही लोग यहाँ पर जो है पोजीशन को शॉर्ट किए, ठीक है। मतलब फिर से वही सेलर यहाँ पर जो है एक्टिव हो गए हैं
और वही लोग बड़ी बड़ी क्वान्टिटी यहाँ पर जो है सॉर्ट किए हैं। ठीक है, तो अपने लिए जो है अपने लिए क्या हो गया कि ए वाला जो एरिया है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग जोन है, ठीक है, और ए वाला जो एरिया है अपने लिए सपोर्ट जोन है। ठीक है, इस एरिया में अगर बाईचांस कभी मार्केट पहुँचता है तो यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना है, और इस एरिया में आपको पहुँचता है, ठीक है, तो इस एरिया को जो है बाइंग का प्लान करना है छोटा टाइम फ्रेम में। ठीक है, चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ देखेंगे तो अपना जो प्रॉपर तरीके से लेवल होता है जिसके हर बार हम जो ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर आने से करना पड़ता है, वो चीज़ यहाँ पर जो डिस्कस करना पड़ता है, वो चीज़ यहाँ पर लेवल निकालना पड़ता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लेवल निकालेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अपना लेवल जो होगा जिससे ज़्यादा पॉइंट जो ज़्यादा जिस पॉइंट पर ज़्यादा टच करेगा, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा हिट किया है, इससे बिल्कुल ज़्यादा यहाँ पर जो यहाँ से रिजेक्शन आया, इसी की रिजेक्शन आया, यहाँ से अपर कैसेट गया, यहाँ से गया अपर कैसेट, यहाँ से गया, यहाँ से गया। ठीक है, और उसी लेवल के आकर के नीचे रिटर्न किया है और फिर से जाकर के वो क्या हो गया, रजिस्टर यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, सेलिंग आया, सेलिंग आया, फिर सेलिंग आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मार्केट नीचे से इस तरीके से गिरा गिरा इस तरीके से गिरा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करना, कल भी हम बताए थे कि 5वीं यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 5वीं यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादातर चांस है कि मार्केट यहाँ से निकलेगा और अपना ट्रेंड को यहाँ पर चेंज करेगा। ठीक है, हमने क्या बताया था कि यहाँ पर क्या करेगा, अब कंसोलिडेट करके अपर कैसे निकलेगा या फिर डाउन कैसे निकलेगा। ठीक है, या फिर इसी प्राइजेशन को यहाँ पर फॉलो करते हुए नीचे से निकल सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, अब ये डिसाइड कर रहा है कि मार्केट को नीचे से जाना है या फिर ऊपर कैसे जाना है। ठीक है, इस तरीके से देखिए अपना एक लेवल यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया, हमने एक लेवल यहाँ पर निकाल कर बैठ गया। ठीक है, एक लेवल है 780 का, ये है 780 का लेवल। ठीक है, एक है 765 का लेवल। ठीक है, अभी एक लेवल हम लोग जो है निकाल करके यहाँ पर बैठ गए हैं। हम लोग को इस लेवल में क्या करना है, देखिए मार्केट अभी जो क्या कर रहा है, ठीक है, प्राइस 5 मिनट के टिप्पणी समझाते हैं थोड़ा सा। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ सेलिंग आया, ठीक है, सेलिंग आया, सेलिंग आया, सेलिंग आया। ठीक है, यहाँ पर जो लोअर लो, यहाँ पर जो सर्किट लोअर लो को यहाँ पर स्ट्रक्चर बनते हुए आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट जो है यहाँ जब सेलिंग आया था ना, तो इस लो को तोड़ना था, लेकिन इस लो को तोड़ा नहीं और मार्केट घूम करके इसी हाई के पास, जो पिछला स्विंग हाई था, इसी के पास जाकर के ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और देखेंगे तो सपोर्ट को यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट को यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है और रेजिस्टेंस यहाँ पर सेम रख रहा है। रेजिस्टेंस यहाँ पर देखेंगे एकदम इक्वल सेम रख रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखेंगे कि बायर यहाँ पर हर डिप पे टेक ओवर कर रहे हैं। ठीक है, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक मोमेंट कैलकुलेशन में आना चाहिए अपर के सेट। अगर इसके ऊपर निकलता है 786.85 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक मोमेंट आपके सेट बहुत तगड़ा आना चाहिए। ठीक है, दिक्कत करेगा तो ये है, ए वाला जो लेवल है 790 का, यही थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, लेकिन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग एक मोमेंट आपके सेट बहुत तगड़ा आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सेलिंग आया है, 5 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब कंसोलिडेट कर रहा है अपर के सेट, लोअर के सेट अगर कंसोलिडेट यहाँ पर करता तो नीचे मोमेंट आने की संभावना रहता। ठीक है, लेकिन जा करके ये अपर कैसे कंसोलिडेट कर रहा है तो इसके ऊपर मूवमेंट आने का संभावना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कल के सेशन में हम लोग किस तरीके से प्लान किए थे, कल के सेशन में अपना प्लान यही था कि इस एरिया हम क्या करेंगे, हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे कुछ बेरिश प्रेशर बनता है तो, और इस एरिया हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे अगर कुछ बेरिश प्रेशर बनता है तो। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, आप देखेंगे चार्ट पे यहाँ पर लगा हुआ प्रॉपर तरीके से, ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हुआ है, कोई सेटअप नहीं बना है। ठीक है, अगर छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये कि यहाँ पर सेटअप बना हुआ था। ठीक है, एक सेटअप यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन ओटन इतना भी छोटा टाइम फ्रेम में नहीं करना चाहिए कि स्टॉक है, ज़्यादा तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए। ठीक है, मिला जुला अगर कोई सेटअप जो है अपना तरफ, मेरे तरफ से कोई सेटअप बना नहीं तो हम इसमें ट्रेड का प्लान एकदम नहीं किए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन चेन के डेटा का देखेंगे तो ऑप्शन चेन 400,000 यूनिटी 790 पे हैवी कॉल रेटिंग लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। ठीक है, 4,00,000 क्विंटल यहाँ पर बेचा गया है तो 4,00,000 क्विंटल यहाँ पर कोई खरीद करके चला गया। ठीक है, मतलब कि देखिए शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग और इधर से डेटा थोड़ा सा यहाँ पर जो है इंडिसिजन फेज में चला गया, कंसोलिडेट कर रहा है डेटा में भी। ठीक है, एक जोन में चला शेडोज बेरीज है। ठीक है, शेडोज बेरीज है, वो कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, हमको जो है चार्ट को यहाँ पर फॉलो करके चलना है। ठीक है, अब चलिए कल के समय किस तरीके से हमको ट्रेड का प्लान करना है, अपना पॉइंट भी क्या होना चाहिए। ठीक है, और आप लोग को एक चीज़ बता दें कि इसको एनालिसिस करने में लास्ट में जो है डेल्टा एक्सचेंज पर जाकर के हम लोग जो है बिटकॉइन को एनालिसिस करके आपको दिखाएंगे आगे मोमेंट किस तरीके से आ सकता है।
ठीक है, जो बिटकॉइन हम ट्रेड करते हैं, और क्योंकि दिन में मेरे पास टाइम रहता नहीं था, रात में जो बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छा जो सेटअप जो है इसमें, बहुत अच्छे से अपना स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से अप्लाई होता है उसमें। देखिए इंडियन मार्केट में क्या होता है कि मार्केट 9:15 में खुला, 3:30 में यहाँ बंद हो गया, फिर बीच में और फिर लास्ट में गैप अप खुल गया, गैप डाउन खुल गया, तो जो अपना सेटअप रहता है उसका जो है पूरा सिस्टम का जो है बिगड़ जाता है, ठीक है। लेकिन डेल्टा इसमें भी देखेंगे तो पूरा लगातार चालू रहता है, तो देखेंगे अगर मार्केट देखिए अगर एनालिसिस किए कि यहाँ से अगर ऊपर कैसे जाएगा तो अपर कैसे निकलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एनालिसिस किया स्टॉक मार्केट में, अब मान के चला अचानक भी कप अप खुल गया, गैप डाउन खुल गया, तो सारा सेटअप जो अपना एनालिसिस जो प्रेडिक्शन था पूरा खराब हो जाता है। लेकिन डेल्टा इसमें क्या होता है, चलती जाता है इस तरीके से, ठीक है, उसमें लगातार चलते ही रहता है कैंडल, कभी बंद ही नहीं होता, ठीक है। तो उसमें जो है 7 डे एकदम पूरा और पूरा हमेशा वो चालू रहता है, ठीक है। इसके बहुत अच्छा उसमें जो है सेटअप बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, और अपना स्ट्रेटजी इतना भयानक का उसमें काम करता है, आप लोगों को दिखा देंगे कभी हम लेब रिकॉर्डिंग करेंगे, ट्रेड ले करके कभी लेब रिकॉर्डिंग करके शॉर्ट वीडियो है अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, ठीक है। अब चलिए किस तरीके से कैलकुलेशन में हम लोग को ट्रेड का प्लान करना है। रजिस्ट्री को क्या सपोर्ट किया क्या कर रहा है, सपोर्ट को जो है यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, सपोर्ट को यहाँ पर शिफ्ट किया और रजिस्ट्री को यहाँ पर सेम रखा, ठीक है। अगर मान के चलिए अगर मार्केट यहीं पे खुलता है, यहीं पे खुल करके इस लो को रिस्पेक्ट देता है और अपर के जा करके यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, तो हम आंख बंद करके यहाँ पर हम ट्रेड का बंद करेंगे और यही वाला जो रहेगा अपना स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे अगर निकलता है तो फुल क्वांटिटी हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अगर मान के लिए यहीं पर खुलता है, यहीं पर खुल करके ये वाला जो स्विंग हाई को रिस्पेक्ट देता है, उसके बाद नीचे से डाउन करता है, डाइवर्जन का कुछ सेटअप यहाँ पर दिखता है। देखिए ऐसी भी अगर यहाँ पर देखेंगे डाइवर्जन लगा करके देखेंगे, डाइवर्जन यहाँ पर बेरिश बता रहा है, ठीक है, डाइवर्जन यहाँ पर बेरिश बता रहा है और चार्ट यहाँ पर बुलिश बता रहा है, ठीक है। तो अगर कल के सेशन में, ठीक है, अगर इस लो के नीचे निकलता है तो हमको सेलिंग का प्लान करना है, ठीक है, या फिर इस हाई को ऊपर निकलता है तो हमको बाइंग का प्लान करना है, इसके ऊपर बाय ऑन डिप और इसके नीचे सेल ऑन राइज, ठीक है, यहाँ तक सेल ऑन राइज करेंगे और अपर के साइड बाय ऑन डिप यहाँ तक करेंगे 810-800 तक का, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपना जो है व्यू होना चाहिए, इसके ऊपर बाय ऑन डिप हम आंख बंद करके ट्रेड लेंगे, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है थोड़ा सा तो हम आंख बंद करके इसमें ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको जो है डेल्टा एक्सचेंज में देखते हैं, इसे प्रॉपर तरीके से अगर देखेंगे, इसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एक लेवल अपना जो है यहाँ से लेवल रैली को हमने कैच किया था, लेवल जो रैली आया था बहुत कम क्वांटिटी, एक लोट में हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। अपना प्रेडिक्शन यहाँ पर भी था, यहाँ से भी यहाँ से मार्केट गया था और यहाँ से भी हम यहाँ तक कैच किए थे, ठीक है। लेकिन बहुत क्वांटिटी जो कम रहता है तो प्रॉफिट भी बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें इतना अगर यहाँ से अगर मान के चलिए 64,000 से निकल करके अगर यहाँ पर जो है 60,000 तक पहुँचा तो बहुत इसमें जो है 300-400 का यहाँ पर प्रॉफिट आपको दिखेगा। ब्रोकरेज बहुत कम है इसमें, जो है ब्रोकरेज बहुत कम है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है अपना लेवल मार करके रखे हैं कि इस रेस्ट के पास हमको सेलिंग का प्लान करना है, इसके पास हमको सपोर्ट के पास, इस डेली सपोर्ट के पास हमको जो बाइंग का प्लान करना है, ठीक है। देखिए इस यहाँ से जो है डेली टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो एक सेलिंग आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ सेलिंग आने की संभावना यहाँ से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखेंगे एक रेस्ट के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, मार्केट गया इस तरीके से गया और यहाँ से मार्केट अपर कैसे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर डंडी बना रहा है, अपर कैसे डंडी बना, मतलब सेलर जो यहाँ पर बैठे हैं वो लोग यहाँ से फिर शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस लो के नीचे निकलता है तो मार्केट फिर से यहाँ पर फॉल करेगा, इस रेल को हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी छोड़ेंगे नहीं, मिस भी नहीं करेंगे, इसको हम पूरा कैच करने की कोशिश करेंगे, बस अपना सेटअप जो है इसमें अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया अपना, यहाँ से देखेंगे तो अरे भाई निकला अभी थोड़ी देर पहले हम देखे थे इसको, ठीक है, इसको हमारे यहाँ से देखो ये सपोर्ट, ठीक है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए प्राइसिंग देखिए कैसे काम करता है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से डाइवर्जन का प्राइसिंग कैसे काम किया, मार्केट पर कैसे निकल पे लैब है, कोई इसमें जो है रिट्यू वगैरह कुछ नहीं है, देखिए डाइवर्जन यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं प्राइस क्या क्या है, नया लो लगाया डाइवर्जन यहाँ पर, नया लो नहीं लगाया, अब इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, देखिए मेजर जो अपना ऐसे लेवल था यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मार्क करेंगे इस तरीके से एकदम इसके ऊपर तक का यहाँ से, ठीक है, यहाँ से तो हम और छोटा करेंगे,
मेरे के टेम्परे पे बहुत तेजी से भाग रहा है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देख के बताना कि अपना सेटअप कहाँ कहाँ पर एक्टिव हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा पोज करो इसको, थोड़ा सा जो है पोज करो। अब देखो कितना बेहतरीन तरीके से सेटअप अपना अप्लाई हुआ। देखो यहाँ से गया, प्राइसिंग कैसे काम हुआ, बहुत बेहतरीन तरीके से प्राइसिंग काम कर गया गया गया। यहाँ से गया, यहाँ देखिए इस लोगो ब्रेक किया, नीचे से आपको जो मोमेंटम देखने को मिला, इस पॉइंट पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर एंट्री, ये आपका टारगेट 50% के लेवल से यहाँ से निकला है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए इसी लेवल पर, यहाँ पर भी देखिए एकदम सेम कंडीशन हुआ है। नेटवर्क थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू यहाँ पर है। यहाँ पर भी देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी गया इस तरीके से, गया कितना बेहतरीन तरीके से प्राइसिंग काम किया। देखिए यहाँ से गया, पर कैसे हट गया, यहाँ इस आग को ब्रेक कर नहीं कर पाया, पिछले ब्रेक कर रहा था, अब ब्रेक नहीं कर पाया, घूम करके आया, इस लोग को यहाँ पर नीचे भी डाउन किया, इसके नीचे आपका एंट्री पॉइंट था, ये आपका स्टॉप लॉस था, नीचे टारगेट अचीव हो गया आपका, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बताते हैं, डिसाइड करते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पर वेट करेंगे इस चीज़ का कि मार्केट नीचे से थोड़ा गिरे और यहाँ पर कुछ बुरी सिचुएशन इस पॉइंट पर बनाता है तो हम यहाँ पर बैंक से ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, इसके नीचे अगर आता है तो अब जाएगा, अब ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, जहाँ सेलिंग आया था वहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ से करेक्शन आ सकता है इस लेवल से। ठीक है, एक करेक्शन यहाँ पर भी आ सकता है, मार्केट जा रहा जाने दो उसको, अगर यहाँ पर जाकर कुछ बेरिश प्रेशर बनाता है तो यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे, इस एरिया में कुछ बेरिश प्रेशर बनाते हैं यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखिए और समझिए, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स को कमेंट करें, तुरंत रिप्लाई करने की हम कोशिश जरूर करेंगे।